आपका सवाल है सरल खंड में 3/8, 5/12 और 9/16 का इसका लासा ज्ञात करना है। पहले हम इसका लासा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लासा ज्ञात करने के लिए सूत्र आपका होता है अंशों का लासा बटे हरों का मासा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ पे अंश ये ऊपर वाली संख्या क्या कहलाएगी, अंश कहलाएगी 3, 5, 9, ये कहलाएगी अंश। अंश का हमें लासा ज्ञात करना है, 8, 12, 16 का मासा ज्ञात करना है। अब हम जब लासा ज्ञात करेंगे 3, 5, 9 का लासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या से भाग देंगे तो इसमें डिवाइड होगा। सबसे पहले ये 3, 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1, 5 और 3 का 9 ये हुआ। अब इसके बाद में फिर से 3 से क्या आएगा, तो 1, 5 और 1, इसके बाद में लास्ट आपका 5 से आएगा, 1, 1 और 1। यहाँ पे लासा ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 3 × 3 × 5 यानी कि 45 इसका लासा हो गया। अब अगली संख्या है भाषा, भाषा ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 8, 12 और 16 का भाषा ज्ञात करना है। भाषा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमें करेंगे 8, 12 और 16। 8, 12, 16 इसमें भाषा के लिए क्या होता है, ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जो तीनों संख्या को डिवाइड करे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 8 = 12, 2 × 8 = 16। पहला जाएगा 2 से फिर पूरी तीनों संख्या में डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 8। केवल आपकी यहाँ पर दो संख्या है 2 और 2, यानी कि 2 × 2 इसका मासा हो जाएगा 4। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 45, लासा बराबर इसका लासा हो जाएगा, लासा बराबर 45/4, ठीक है। इसके बाद में सॉरी इसका लासा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसका मासा ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मासा ज्ञात करने के लिए अगर सरल भिन्न का मासा ज्ञात करना है तो इसका हो जाएगा अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ये इसका सूत्र है, ये इसी भिन्न वाले भाग में ये अप्लाई हो गई, ये दोनों सूत्र। इसके बाद में हम करेंगे क्या, अंशों का मासा ज्ञात करेंगे। अंश यानी कि 3, 5 और 9 इनका हमें क्या करना पड़ेगा, मासा ज्ञात करना पड़ेगा, ये मासा ज्ञात करना पड़ेगा। 8, 12 और 16 का लासा ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 3, 5 और 9 का जब हम मासा ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो ऐसी संख्या का ज्ञात करेंगे जो तीनों से डिवाइड हो, तो केवल यहाँ पर 3, 5 और 9 में एक ही संख्या है 1, 1, तो 1 से डिवाइड होगा 3, 5, 9, तो इसका मासा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद में 8, 12 और 16, 8, 12 और 16 अब हम जब लासा ज्ञात करेंगे तो 2 से फिर न्यूनतम संख्या से विभाजित करेंगे, 2 से 4, 6 और 8 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2, 3, 4, फिर इसके बाद में 2 से फिर जा रहा है 1, 3, 2, इसके बाद में लास्ट में केवल अपना ये 3 बचा, तो 3 = 3, ये इसका लासा।
संख्या अपनी कुछ इस तरह से दी जाती है, 1, 2, 3, 4, 5 दशमलव 5 से 7 में 2.5 का भाग दीजिए। अब यहाँ पे भाग याद करने के लिए क्या होता है, जो भाजक होता है यहाँ पे भाजक में 2.5 दिया है, तो सबसे पहले हम क्या होगा कि जो भाजक होगा उसमें से दशमलव हटाएंगे। यहाँ पे संख्या में इकाई के अंक बाद एक बार दशमलव यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका दशमलव दिया है 2.5। लेकिन हमें यहाँ इकाई के अंक बाद दशमलव हटाना है तो क्या होगा, ऊपर की संख्या में सीधे 10 का गुणा हो जाएगा, तो आपका ये दशमलव पहुंच जाएगा 5, 1, 2, 3, 4, 5.67 एक अंक बाद दशमलव पहुंचाएगा। अब यहाँ पे 25 का जब इसको भाग देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5.67 में 25 का भाग देंगे तो 25 × 100 यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 100 लिख देंगे, फिर इसको यहाँ पे घटाया तो आ गया आंसर आपका 23। अंक बताए आपके 4 के, तो 4 के बताए तो 25 नंबर 225 यहाँ पे हमने 225 लिख दिया, इसमें जब घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 3, 4 गए, ठीक इसी तरह आगे प्रक्रिया बताएंगे तो ये आपका आंसर जाएगा ये 4, 9, 3, 8, 2, 6। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ये दशमलव चूंकि 2 अंक बाद है लेकिन यहाँ पे दशमलव 4 अंक बाद है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 67 में से घटाने पर 17 आएगा, आगे हल नहीं होने के चलने कारण यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक इसके बाद में 1 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जब यहाँ पे घटाएंगे तो 2 आ रहा है 20 आ रहा है, 20 को हमें अगर 25 से घटना तो फिर एक बार 0 लेना पड़ेगा, जब हमने 2 बार 0 लिया तो ये दशमलव जो है 2 अंक आगे पहुंच। इस तरह से सवाल आ जाता है जिसमें एक ही सवाल में सरल करने के लिए छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, धन, जोड़, गुणा और भाग, इस तरह से एक ही सवाल के अंदर सरल करने के लिए कई ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो इसको हमें हल करने के लिए हमारा पर्टिकुलर एक नियम होता है जिसका नाम है आपका बोर्ड मास का नियम। ये है आपका बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहला जो होता है वह होता है बाइनरी संख्या। इसमें क्या होता है कि अगर इसमें कहीं भी ऑप्शन है, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ ऑप्शन है, तो हम बाइनरी संख्या यू की वाली डी के साथ उसको हल करेंगे। इसके बाद में दूसरा है बी, इसमें पहला उसका ऑप्शन होता है ब्रैकेट, इसमें तीन तरह के ब्रैकेट मुख्यतः आते हैं, छोटा, मझला और बड़ा, ये तीन तरह के ब्रैकेट आते हैं, छोटा, मझला और बड़ा, ये इस तरह से इसमें ब्रैकेट दिए जाते हैं। दूसरा होता है ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब भी गुणा होता है। कई बार इसमें सवालों में सवाल के बीच में किसी भी संख्या की जगह पर का लिख दिया जाता है, ये इसमें किसी भी संख्या की जगह पर का लिख दिया जाता है, तो यहाँ पे का अर्थ ही होता है गुणा करना। इसके बाद में अगला है डिवीजन, डिवीजन अर्थात भाग करना, फिर इसके बाद में ये पर पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा करना चौथा, इसके बाद में एडिशन अर्थात योग करना पांचवा, और उसके साथ एस एस अर्थात लास्ट पॉइंट है आपका घटाना, ये आपका छठा पॉइंट। तो हमें बाइनरी संख्या के अकॉर्डिंग बोर्ड मास की संख्या के अकॉर्डिंग इसी क्रम में आगे बढ़ना पड़ता है, अगर हम इस क्रम में आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा सवाल सरल नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं वह गलत हो जाएगा। तो ये है आपका बोर्ड मास का नियम, बी फिर बी फिर ओ पी एम ए एस बोर्ड मास, बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग इसको हल करना है। हमारा सवाल है एक भागे बड़ा कोष्टक 1+1 भागे मझला कोष्टक 1+1 भागे छोटा कोष्टक 1+1 भागे 2 इस तरह से कोष्टक बन हुआ। अब इसको क्या करना था, सरल करना है, ये आपको सरल करना है, तो इसमें आप क्या करेंगे तो बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग आगे इसको अप्लाई करेंगे। तो बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग आप इसको सरल करेंगे, सबसे पहला आप क्या करेंगे, इसका जो छोटा कोष्टक है इसको हल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ये सवाल को हल किया, यहाँ पर 1 भागे 1 सेम कंडीशन आ गई, और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, छोटे कोष्टक अर्थात ये वाले को हल किया, 1 की जगह 1 आ गया प्लस 1 भागे 2 तो क्या लिख सकते हैं हम 1/2, ठीक है। अब 1+1/2 यहाँ पे इसको
दो एकम दो और प्लस वन अर्थात हो जाएगा आपका तीन बटे दो। ठीक है, अब इसके बाद में इसको नीचे आप हल करेंगे अगला पोर्शन। सेम कंडीशन में वन भागे वन प्लस वन भागे महिला गोष्ठक एक भागे तीन बटे दो। इसको हल करने के लिए अब हम आगे अगला क्वेश्चन आ जाएंगे मंझले वाले कोष्टक पर। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, वन भागे वन। अब यहाँ पे चूंकि भाग है और भाग को हमें क्या करना है, हल करना है, तो भाग की जगह पे हम यहाँ पे गुणा लगाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे गुणा लगाएंगे ये वाली संख्या पलट जाएगी। ठीक है, भाग को हमें क्या करना है, गुणा में परिवर्तित करना है। और गुणा में परिवर्तित कर दिया, भाग की जगह हमने गुणा तो लगा दिया, लेकिन ये पीछे वाली बटे वाली संख्या ये पलट जाती है। तो पलट जाने के बाद क्या हो जाएगा, दो बटे तीन। अब इसको हल कर लो, गुणा करेंगे तीन एकम तीन, तीन एकम तीन और प्लस दो अर्थात पांच बटे तीन। ठीक है, अब इसको फिर से हम हल करेंगे। तो सेम कंडीशन वन भागे वन प्लस वन। अब ये वाला जो आपका महिला कोष्टक है वो टूट गया। अब इसको हल करने के बाद आगे वाली पोजीशन ले ली अर्थात वन प्लस वन वन भागे तीन बटे पांच। अब क्या गया, फिर भाग आ गया आपका। अभी यहाँ पे भाग आ गया था, अब यहाँ पे भाग आ गया। ये इस भाग को हल करने के लिए क्या करेंगे, वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। भाग की जगह पर फिर से हमने गुणा लिख दिया, महिला कोष्टक हल किया, गुणा भाग की जगह पर गुणा लिख दिया, फिर से हमने संख्या पलट दी। तो क्या हो गया, तीन बटे पांच। जैसी संख्या पलटी तो यहाँ पर फिर हमने गुणा किया, पांच एकम पांच। ठीक है, यहाँ पे पांच एकम पांच, पांच से छह सात आठ, यहाँ पे हल किया एक भागे हुए, सेम कंडीशन वही रख दी। तो ये हो गया आठ बटे पांच। अब हमने बड़ा वाला कोष्टक खोला, यहाँ पर बड़ा वाला टूट गया, तो यहाँ पे आ गए एक भागे आठ बटे पांच, क्योंकि यहाँ पे फिर से ये भाग है। तो भाग को हमने फिर से गुणा में कन्वर्ट किया, तो गुणा में कन्वर्ट किया तो फिर से संख्या पलट गई। तो ये हो गया आपका आठ बटे पांच, ये हो गया सॉरी पांच बटे आठ। अब पांच बटे आठ गुणा वन गुणा पांच बटे आठ, आठ एकम आठ, ये संख्या फिर से पलट गई। नीचे को देखते होंगे एक की संख्या में एक ही रहेगा, आंसर आ जाएगा आपका पांच बटे आठ। ठीक है, गुणा करेंगे तो एक का बार सेम ही आएगा, ये आंसर हो जाएगा